नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ, जिनके ऊपर कई सारे संगीन मामले हैं, कई सारे केसेस चल रहे हैं, जिनको एक केस में पनामा पेपर लीक केस में तो सज़ा भी सुना दी गई थी 10 साल की, वही नवाज शरीफ जो हैं वो अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, जो अभी सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसके वो फाउंडर भी थे, उसका दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है 6 साल बाद। अब हुआ क्या था कि इनके ऊपर कई सारे केसेस थे, एक केस में इनको सज़ा 10 साल की सुना दी गई थी, तो उस टाइम पर ये भाग के चले गए थे यूके और यूके में इन्होंने एग्जाइल ले लिया, छिप गए थे वहां पे। हालांकि रूल वो वहां से कर रहे थे, उनके भाई जो थे शहबाज शरीफ, उनके थ्रू शहबाज शरीफ पीएम बने थे, तो उनके थ्रू ये रूल तो बराबर कर रहे थे, लेकिन इनको भागना पड़ गया था पाकिस्तान से। और अब ये वापस से इनकी एंट्री हो रही है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, जहां पर इनको फिर से इस पार्टी का, इस सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। अब ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर नहीं है, या इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री सपोर्ट है। अब पाकिस्तान के अंदर का इलेक्शन का आपको खेल पता ही है, वहाँ पे मिलिट्री का खेल आपको पता ही है। जिस भी पार्टी को पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, वो पार्टी वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। पब्लिक सपोर्ट से या पब्लिक वोट शेयर से पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर एक भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। और वो पाकिस्तानी इंडिया के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं, और कुछ लोग, कुछ इंडिया के बहुत बड़े बड़े नेता लोग पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं इंडिया के इलेक्शंस को। फॉर गॉड सेक, मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री जहां पर इलेक्शंस होते भी नहीं है सही तरीकों से, उसको आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। तो क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के अंदर में आपको पाकिस्तान के अंदर में इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां हैं, ये जो पोस्ट मिली है नवाज शरीफ को, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूं। इवन जो वहां पर बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं, जो बड़े बड़े टैक्स इवेजन स्कैंडल्स हुए हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, एजेंडा क्या है इस पूरी वीडियो को बनाने का, ये आपको वीडियो के एंड में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो हुआ क्या ना कि ये नवाज शरीफ जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भाग करके यूके चले गए थे जब इनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी, और उसके पहले ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। अब प्राइम मिनिस्टर को, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जो सज़ा सुना दी गई, ये बात आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसी कंट्री में सुन सकते हो, क्योंकि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को देखिए, लिस्ट देखिए, सब साफ छवि के प्राइम मिनिस्टर, और डायरेक्टली किसी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा या कुछ ऐसा केस नहीं है, डायरेक्टली किसी को जेल नहीं हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली 10 साल की सजा सुना दी गई और वो भाग गया देश छोड़ करके। एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी देश छोड़ करके भाग करके यूके में जाकर के छुप गया। हालांकि वहां पर जाने के बाद भी ये अपने उसके थ्रू, अपने भाई के थ्रू, शहबाज शरीफ के थ्रू रूल लगातार कर रहे थे, लेकिन ये भागे क्यों थे, सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस हो गया था, जिसको हम कहते हैं द पनामा पेपर लीक स्कैंडल। अभी जो पनामा पेपर स्कैंडल था ना, बेसिकली ये था कि आप इसको पहले समझिए, उसके बाद आपको नवाज शरीफ का समझ में आएगा क्या गेम खेला था इन्होंने। ये पनामा पेपर स्कैंडल एक केस था, एक लॉ फर्म थी, 2 लॉयर्स उसको चलाते थे, उस फर्म का नाम था मोज़ेक फोंसेस्का। मोज़ेक और फोंसेस्का दोनों बहुत बड़े लॉयर थे, जर्मन लॉयर थे ये दोनों, बहुत बड़े बड़े, और ये दोनों एक फर्म खोले हुए थे, मोज़ेक फोंसेस्का नाम की ये फर्म थी, इंडिया की टॉप मोस्ट फर्म्स, मतलब पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट लॉ फर्म्स में आती थी, 4th नंबर पर। तो इस लॉ फर्म में जितने लोगों ने चोर थे, जितने लोगों ने टैक्स इवेजन किया हुआ था, जितने लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आर्मी के वेटरन्स, बड़े बड़े लोग जो ये टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों में लिप्त रहते हैं, जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, उनको अपना पैसा ब्लैक वाइट करना है, वो लोग इस फर्म को अप्रोच करते थे, और ये फर्म उनकी पूरी मनी लॉन्ड्रिंग में, टैक्स इवेजन में हर तरीके से हेल्प करती थी। किस पैसे को कहाँ से, जैसे अब पाकिस्तान में आप देखो, पाकिस्तान में चाइना से पैसा आ रहा है, IMF से पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, पीएम ही चोर है, तो पीएम क्या करेगा, पीएम उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इधर से उधर करेगा और फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेगा। इसीलिए आप देखो कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े नेता हैं, वो सब कहाँ जाते हैं, वो सब यूके जाते हैं, पनामा जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो है बंगलोज लेते हैं, लैविश लाइफ जीते हैं। तो ये सारी चीज़ों में नवाज शरीफ का इस पेपर स्कैंडल में नाम आ गया था। तो ये जो फॉर्म थी, उसके कई सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे मीडिया के अंदर में, और वो एक जर्मन फर्म थी, उसने लीक कर दिए थे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा बवाल मचा, सबसे ज़्यादा बवाल पाकिस्तान में मचा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट नाम नवाज शरीफ उनकी डॉटर का आ गया था। तो इन दोनों का नाम जैसे ही आया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया, और नवाज शरीफ को कोर्ट ने
10 साल की सज़ा भी सुना दी। अब जैसे ही 10 साल की सज़ा सुनाई गई पनामा पेपर्स केस में नवाज शरीफ को, ये भाग करके चले जाते हैं यूके और यूके में एग्जाइल ले लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इनको भागना पड़ा, इनके ऊपर केस हुआ, इतना इन्वेस्टिगेशन हुआ, पीएम होते हुए इतना इन्वेस्टिगेशन हो कैसे सकता है, आप खुद सोचिए। तो इतना इन्वेस्टिगेशन, ये 2016 की बात है, तो इतना इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा चेहरा खड़ा हो रहा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पीटीआई के लीडर इमरान खान और फॉर्मर क्रिकेटर। अब इनकी ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान के अंदर में एज अ क्रिकेट प्लेयर, काफ़ी स्मार्ट, हैंडसम और ऐसी ऐसी चीज़ें आपने इनके बारे में तमाम सुनी होंगी। अब थोड़ा सा आपको ना इस पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तब आपको इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, ये कौन है, सब समझेंगे। इसमें मैं पाकिस्तान की सिर्फ प्रमुख पार्टियों का नाम लूँगा, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सिर्फ प्रमुख पार्टी जो कि पावर में आने का दम रखती हैं उनका ही नाम लेते हैं इसमें। सबसे पहली पार्टी आपको बता दूं, इसमें PMLN है जो कि नवाज शरीफ लीड करते हैं ये पार्टी, और इस पार्टी को हमेशा से मिलिट्री का सपोर्ट रहा है। दूसरी तरफ आपको एक पार्टी दिख रही है PPP, और इस पार्टी के लीडर हैं बिलावल अली भुट्टो। अब ये बिलावल अली भुट्टो की हिस्ट्री जो है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन ये उतने स्ट्रॉन्ग लीडर हुए नहीं। अब देखो, अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाओगे, अंदर देखोगे, तो सिर्फ एकमात्र जो सबसे पहला इलेक्टेड लीडर आया था पाकिस्तान की पूरे इलेक्शंस में, वो पर्सन थे इनके ग्रैंडफादर, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे, और वो हमेशा से मुखालफत करते थे पाकिस्तानी मिलिट्री की कि ये बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते हैं हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, और इस वजह से उनको, उनके ऊपर जो है एक केस, फेक केस कर दिया गया, जिसके बाद उनको सज़ा सुना दी गई और वो पूरे सिस्टम से आउट हो जाते हैं। उसके बाद उनकी डॉटर बेनज़ीर भुट्टो पावर में आती हैं और वो पाकिस्तान की PM बनती हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हो जाता है, आपको वो सारी कहानी पता है। उन्हीं बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं बिलावल अली भुट्टो, और ये किसी काम के नहीं हैं। बिलावल अली भुट्टो की ना उतनी पॉपुलैरिटी है, ना ये उतने बड़े लीडर बन पाए, ना ये लोगों की वॉइस बन पाए, क्योंकि ये भी जो है एक तरीके से आप समझ लो पपेट है मिलिट्री के, और ये छोटी पॉलिटिक्स करते हैं, तो इतना बड़ा नाम ये बन नहीं पाया, और इसीलिए इस पार्टी का जो है दमन हो गया। दूसरी तरफ खड़ा हो गया था PMLN, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और इस पार्टी की जो अध्यक्षता है वो हमेशा से नवाज शरीफ के पास रही। नवाज शरीफ 3 बार के PM, ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, लेकिन जैसे ही ये उस केस में फंसे पनामा केस में, इस पार्टी की भी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई पाकिस्तान के अंदर में, और कई सारे बड़े बड़े ऑफिशल्स जो हैं वो भी इस पूरे केस में फंस गए थे। इसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, इस पार्टी के रेपुटेशन पर काफ़ी डेंट पड़ा था। और ये सब हुआ कैसे था, इन सब में इन्वेस्टिगेशन में, इन सब पीछे से फोर्स कौन लगा रहा था कि पनामा केस में इन्वेस्टिगेशन हो, वो फोर्स लगा रहे थे इमरान खान, जो कि PTI के अध्यक्ष थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष थे इमरान खान। और उस समय इमरान खान को सपोर्ट जो है पूरा आर्मी कर रही थी, और उसी सपोर्ट की वजह से इमरान खान जो है वो दोबारा से नहीं मतलब इमरान खान जो है पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देखो, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ PM इमरान खान को आप देखोगे, तो ही वॉज अ गुड लीडर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे मतलब ख़त्म देश के लिए ये बहुत अच्छे लीडर चूज़ होके आए थे, और लोगों का काफ़ी सपोर्ट था इनको, क्योंकि इनकी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स थी, ये पॉलिटिक्स को समझते थे, ये इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते थे। उसके साथ साथ इनको इस चीज़ की भी नॉलेज थी कि किस तरीके से करप्शन जो है ना वो आखिरकार लोगों पर ही ऊपर से पड़ता है, तो करप्ट लोग जो हैं वो देश को बर्बाद कर देते हैं, ये बात ये बहुत अच्छे से समझते थे। तो इन्होंने कोशिश ये करी कि करप्शन के खिलाफ हम काम करें, और ये करप्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होने लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी विद टाइम इतनी बड़ी हो जाती है कि इनको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं आर्मी से ऊपर हो चुका हूँ, और एक तरीके से ये आर्मी से ऊपर हो भी चुके थे, और आर्मी की ये थोड़ी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आर्मी से इनकी तनातनी शुरू हो जाती है पाकिस्तान के अंदर में। अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चलता है, जिसको आर्मी का सपोर्ट होगा वही रूल कर पाएगा, अदरवाइज वो रूल कोई नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ी जा रही है। उसके बाद एक केस हो जाता है साल 2021 में, और उस केस ने पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसको चेंज करके रख दिया। हुआ क्या कि एक और पेपर स्कैंडल हो गया, जिसका नाम था पेंडोरास पेपर स्कैंडल। अब ये पेंडोरास पेपर स्कैंडल बिल्कुल पनामा पेपर लीक की तरह ही था। इस पेंडोरा पेपर स्कैंडल में क्या होता है कि इसमें भी कई सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम निकल करके आ जाते हैं, और ये सारे नेता भी चोर होते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये सब पाकिस्तान के जो इवन इमरान खान की पार्टी के मतलब एकदम क्लोज इनर सर्कल जो था उनका, उसके नेताओं का नाम भी इसमें पेंडोरास पेपर्स में आ जाता है।
जाता है, जिसके बाद इमरान खान काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन जीता था, लोग जिस एजेंडे के लिए उनको जानते हैं, जिस डेवलपमेंटल एजेंडे के लिए, उन्हीं के पार्टी के लोग जो है टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों में लिप्त हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पेंडोरा पेपर्स को इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी उस पूरे केस के अंदर में। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उस पेंडोरा पेपर केस में कई सारे आर्मी के टॉप जनरल, ल्यूटनेंट जनरल रैंक के लोगों का नाम था कि उन लोगों ने भी उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट देखी गई थी, ब्लैक को वाइट कैसे करना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, लैविश प्रॉपर्टीज़ देखी गई थी। जैसे आप देख रहे हो ये पूरी लिस्ट है उनकी, जैसे वाइफ ऑफ रिटायर्ड जनरल शफकात उलट शाह, इनका नाम था उसमें पेंडोरास पेपर्स में। राजा नादिर परवेज, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड मेजर जनरल नुसरत नईम, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे रैंक के लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस पूरे करप्शन के अंदर में, इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में, और इस पेंडोरास केस ने इन सब के नाम उजागर कर दिए थे। अब इस पूरे केस के अंदर में पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते थे इमरान खान, और वो लगातार उसकी कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए आर्मी से उनकी तनातनी हो गई, बिकॉज ये आर्मी के इतने बड़े बड़े मेजर जनरल जब जेल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉब्लम होगी। तो आर्मी जो है वो बिल्कुल खिलाफ हो जाती है इमरान खान के, और एक दिन केस लगाया जाता है उनके ऊपर और उनको घर से उठा लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आर्मी ने जो चीज़ मिसजज कर ली थी वो ये मिसजज कर ली कि इमरान खान उतने पॉपुलर नहीं है। अब हुआ क्या कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तब जा करके दिखी जब आर्मी ने उनको उनके घर से उठा लिया, और हुआ क्या उनके जस्ट अरेस्ट के बाद क्या होता है कि लोग जो हैं वो रोड पे आ जाते हैं और वो आर्मी कैंटोनमेंट्स को अपना निशाना बनाने लगते हैं। वो एक मेजर जनरल के घर में घुस जाते हैं और उनके घर में आग लगा देते हैं, उनके स्विमिंग पूल में उठा ले जाते हैं, उनका पीकॉक उठा ले जाते हैं, मतलब इस तरीके की हद हो गई थी। इवन वहाँ की पुलिस जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है और वो आर्मी से लड़ाई लड़ने लगती है कई जगहों पर। अब इससे ये चीज़ साफ हो गई आर्मी को कि इस पर्सन को आप प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर होते जा रहा है, और ऊपर से इनकी जो आइडेंटिटी थी, जो इनके रूट्स थे, वो पश्तूंस थे। अब पश्तूनों से बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सरकार को, बिकॉज पश्तूंस जो हैं वो एक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी फियरलेस लोग हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि पश्तून जो हैं वो पाकिस्तान का खैबर पख्तून जो रीजन है उसको अलग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में मिल जाए। तो पख्तून आइडेंटिटी का कोई पर्सन वहाँ का पीएम बने तो जाहिर सी बात है वो आर्मी की मुखालफत करेगा ही करेगा, और यही इमरान खान ने कर दिया, और इसीलिए ये आर्मी के सबसे बड़े दुश्मन हो गए, और इनको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल स्फीयर से हटाना था। फिर से चुनाव होते हैं, ये जेल में जाते हैं, चुनाव होते हैं, जेल में रह करके इन्होंने चुनाव लड़ने का घोषित किया, और इनकी पार्टी जो है वो काफ़ी पॉपुलर ओपिनियन था उसके खिलाफ, उसके लिए लोगों का, और इनकी पार्टी काफ़ी सारी सीट्स जीत भी रही थी, और जिसको आर्मी ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, वो इतने सपोर्ट के बावजूद भी इलेक्शन हार जाती है एक तरीके से, आप समझ लो वो सीट्स नहीं जीत पाते हैं उतना। लेकिन फिर क्या होता है, फिर लिंप गवर्नमेंट बनती है, मतलब एक कोएलिशन की सरकार बनती है, पीएमएल यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी, ये दोनों डरे हुए नेता जो हैं मिला करके कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं, नवाज शरीफ को तो प्रधानमंत्री डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता था, आपको पता है रीजंस इतने सारे केसेस की वजह से। तो इनको जो है इस पीएमएलएन पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है दोबारा से, शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद इमरान खान को बिल्कुल पाकिस्तान, आप देखो पॉलिटिकल स्पीयर से गायब कर दिया जाता है, कोई न्यूज़ कोई मीडिया इनको कवरेज नहीं देता है, कहीं से भी इनको कवरेज नहीं मिलती है। इसका ये मतलब है कि इनको किसी तरीके से पॉलिटिक्स से बाहर करना है, ये डिसाइड हो चुका है पाकिस्तान के अंदर में। तो अभी प्रमुख पार्टी जो है पाकिस्तान में वो पीएमएलएन है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, जिसके प्रेसिडेंट नवाज शरीफ बन रहे हैं, और इसीलिए ये पोस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो इस पार्टी पर डिपेंड करती है, क्योंकि अब ये भी सीन से बाहर हो चुके हैं, ये पहले ये तो किसी काम के नहीं, तो इनको सीन से बाहर ही समझो, तो अब बचती है मात्र एकमात्र ये पार्टी, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको ये समझाना जरूरी था कि इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के अंदर में। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने यूपीएससी सीएससी 2023 का जो रिजल्ट आया था उसमें 300 से भी ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक वन आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे, वो भी इसमें इंक्लूडेड। आप समझ सकते हो कि अनअकैडमी किस तरीके की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब जो ये हमारी सक्सेस है ना, इसको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बल्कि हम अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने अपने यूपीएससी सीएससी की 15 मंथ की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया। अब आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 29,999 का मिल सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 लिख देना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा
पूरा आर्टिकल, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नवाज शरीफ का क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज इमरान खान का क्या स्टांस था, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।